जिसके ऑफिस के उद्घाटन के लिए मैं आया हूँ, कमरू हुडा करीम खान, जाफर भाई, हमारे सेठ, सभी मौजूद नगर सेवक और बड़ी संख्या में आए हुए शील फाटा के मेरे भाइयों और बहनों, बहुत दिनों के बाद मैं किसी मंच में नहीं बोल रहा हूं। पिछले 8 महीने में बहुत कुछ हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, जो महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। और उसके बाद मुंबरा में भी ऐसा कुछ माहौल तैयार किया गया कि सबको लगा के बात ही बदल देंगे, बात बदल से कुछ बदलने से कुछ नहीं होता, उसमें आपका रंग खुल जाता है, क्योंकि बाप का चेहरा अलग होता है और तुम्हारा चेहरा अलग होता है। बहुत लोगों ने अपना बाप बदल लिया, अभी भी कोशिश चालू है कुछ लोगों की कि कुछ लोगों से बाप बदलवा जाए, जिसको चाहे उसको बाप बदल लें। लोगों के दिलों में जो बैठा है उसको आप कभी निकाल नहीं सकते, और ये महाराष्ट्र की मिट्टी है और ये भारत के नागरिक है जो कभी गद्दारी का साथ नहीं देते। तो ये जो माहौल चल रहा है आजकल, कोई टोरेंट के उपोषण को बैठा है मैंने सुना, अरे तुम्हारा बाप जो बैठा है मंत्रालय में, जिससे चंदा लेके तुम्हें राष्ट्रीय सम्मेलन करवाया था, उस बाप को जाके बोला ना टोरेंट कैंसिल कर दो, 2 मिनट का काम है उसका, कहीं कोई इधर मच्छर में बैठे हो, रात को जाके सोते हो, दिन को सुबह उठ के आते हो। मेरे जमाने तो मैंने टोरेंट नहीं लाया था ना, तभी मंत्री एकनाथ शिंदे ही था, मुख्यमंत्री फडणवीस ही था, तभी टोरेंट आया था। अब टोरेंट निकालने का काम तो मुख्यमंत्री ही करेगा, जो तुम्हारा बाप बन के इधर बैठा है, तुम उसको बाप मानते हो ना अपना, जाओ उसके पास। इतना क्यों उपोषण को बैठते हो, क्या मूर्ख समझते हो क्या जनता को? हमें मालूम है ना 20 लाख रुपया कहां से आया, सम्मेलन कहां से हुआ, बैग में कितना आया, बैग में कितना गया, खर्चा कितना आया और पूछा कितना गया। दूसरों के पैसे पे राजनीति नहीं चलती मेरे बाबू, राजनीति जेब से करनी पड़ती है और लोगों के दिलों से करनी पड़ती है। 5 साल एक नल का कनेक्शन नहीं करेंगे, एक नल का, और जैसे ही चुनाव आएगा वो मेंढक रहते ना बारिश में बवां 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 करने वाले, वैसे मेंढक बाहर निकल गए। इनके हालात तो देखो, एक हमारी बहन वहां उपोषण पे बैठती है, चुपचाप रात को घर चली जाती है, मस्त जाके घर में बिरयानी खाती है और सुबह आके फिर उपोषण में बैठ जाती है। अभी जान दो अपनी बहन ही है, माफ कर दो उसको। पर कितने बिल्डिंग वाले ऐसे बताओ जिसको इस बहन ने जाके तकलीफ दे के वसूली की है 50,000 लाख रुपया, 50,000 लाख रुपया की इलीगल बिल्डिंग जहां भी हो तो हमारी बहन पहुंच जाती है, तब नहीं सोचती है कि वो मुसलमान है। तो बड़ी यानी जिना की पोती है ऐसी बात करती है, मुसलमान क्या, मुस्लिम क्या, लीग उनसे लीग की पार्टी हो, मुस्लिम लीग, मुझे लगता है जिना की पोती है, ऐसी बात करती है। कम से कम 25 बिल्डर मेरे पास है जो बता देंगे कि हमारे से कितने पैसे लेंगे, मेरे को उस पे उसका खर्चा पानी भी है ना बेचारे का, चलना चाहिए। पैसा पैसा नहीं बनाएंगे तो खर्चा कहां से लाएंगे? ठीक है चलता है, टोरेंट की बिल से तल करो, इलीगल बिल्डिंग से पैसे कमाओ, इलीगल कनेक्शन करो पैसे कमाओ, और बाकी जो वक्त है वो जितने आवार को गालियां देते बिताओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। समझ
का पानी बाहर गया, क्या फर्क पड़ता है? वैसा भी तो इन लोगों के बातों से, इन लोगों की जो कुछ व्हाट्सएप पे चालू रहती है बकबक, उससे कुछ फर्क गिरता नहीं मिलता। कभी देखा था खासदार को इधर आए हुए? वो खासदार के साथ है कि यारा घूमते यारा, बोले जितेंद्र को खत्म करने आया है, उसका अंत नजदीक आया है। अरे अबे तू कौन है अंत करने वाला? ओ हो हो, तेरी क्या इज्जत है? और गद्दारी की जान ज्यादा तक जिंदा नहीं रहती है, ऊपर वाला जल्दी फैसला कर देगा। दो दिन की चांदनी रात है, फिर अंधेरा ही अंधेरा है। वॉच कर लो बेटे, वॉच कर लो। महाराष्ट्र ये ज्यादा दिन सहन नहीं कर सकते। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नफरत का भाषण कोई किसी भी ने करना नहीं चाहिए, कुछ रेगुलेशंस डाल के देता है। मैं हजी मलंग के जो एरिया है, जिस पुलिस स्टेशन में आता है, आता तो थाना कमिश्नरेट में ही, तो भैया हमने भाषण सुना कि नहीं? वो क्या कह रहा था? मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी पूछना चाहता हूं, क्या आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो? 70 साल के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने जाके रिवाज नहीं तोड़ा था। साल में एक बार हिंदुओं का एक त्योहार वहां पे मनाया जाता है, अब तो शांति से मनाया जाता है, पर तुमको क्या जरूरत थी कि बीच में ही जाके मजार पे आरती करने की? क्यों, क्या 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 दिशा दे रहे हो? कोई उंगली दिखा रहे हो? उसके तुरंत बाद वो आता है संयोग सम्मेलन में आना आप शनाथ कहता है, और बेटा कहता है कि जल्दी हम मलंग, हजी मलंग का नाम बदल देंगे और उसको मलंग गढ़ करवाएंगे। कौन कहता है? खासदार बेटा जो यहां पे मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए घूम रहा है, उसको बोलना ऐसा मसीहा नहीं बनता है, इधर चाहिए प्यार इधर, और दो दिखाने की हिम्मत भी चाहिए। प्यार इधर नहीं रखना चाहिए, चुप चुप के प्यार नहीं होता है, प्यार बता के होता है। अगर बाहों में हिम्मत है लेने की तो बाहों में ले लो, चुप चुप के इशारे मत करो। ये स्टेशन पर रहेंगे और शिलपटे में इशारा करेंगे, नहीं जमता है, आना है तो शिलपटे में आओ। ये मुसलमानों को येड़े मत समझो, ये बड़े समझदार है, ये शांत बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको समझता नहीं है। तुम्हारे मुंह में क्या और पेट में क्या है बराबर मालूम है उनको। तुम्हारे मुंह में राम है लेकिन पेट में नथुराम है, और ये नथुराम को माधव देश कभी भी नहीं भूलेगा, जिसने हमारे बूढ़े बाप पे गोलियां चलाई थी, निहत्ते बूढ़े बाप के गोलियां चलाई थी, वो नथुराम की औलादों को ये देश कभी भी माफ नहीं करेगा। और उन लाइनों में से तुम आए हो, बीच में सम्मेलन हुआ, कोई बोल रहे 20,000 लोग थे, कोई बोल रहे 30,000 लोग थे, पुलिस ने मुझे बताया 4,500 लोग थे। तो मैंने फिर उनको पूछा कि भाई मुमरा से कितने लोग थे, तो चलो मैं मुमरा से कितने लोग थे नहीं बताता हूं, तुम भी डर जाओगे, बहुत डरावनी बात है कि मुमरा से कितने लोग थे। चैन सुनना चाहोगे कितने लोग थे? डरोगे नहीं ना? नहीं डरोगे ना? 1,500 लोग थे, 1,500। जो मैं रास्ते पे चलू तो भी अगर बोल के चलू कि मैं कल आने वाला हूँ दोपहर को 11 बजे और 2 बजे तक घूमने वाला हूँ, तो मेरे पीछे चलेंगे उतने लोग सभा में भी नहीं थे। ये तो हालात है। अरे काम का मतलब काम करने वाले आदमी को लोग पसंद करते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, आने वाला महापौर ये लोग मस्ती कर क्यों कर रहे हैं कलवा उमरा में आके? अगर कलवा उमरा ने जितनी अपनी आज की ताकत है
उतनी ही ताकत रखी और उस पर सिर्फ दो बढ़ाए तो समझ लेना कि कड़वा ममरा से ही महापौर जाके थाना में बैठे और इसकी उनकी सुलग रही है, डर रहे हैं कि जितेंद्र आवर अगर ये ताकत खींच के लेके गया तो अपनी सत्ता गई। पहले उन्होंने ऐलान किया था हम 100 लाएंगे, मैं अब उनसे कहता हूं 50 तो लाओ। लोग गद्दारों को पसंद नहीं करते हैं, लोग गद्दारों का साथ नहीं देते, लोग शांत रहेंगे लेकिन गद्दारों का साथ न देते हुए जिस दिन वोट डालना है उस दिन बराबर अपनी अक्कल चला के वोट डालेंगे। अब सबसे बुरी हालत अगर कलवा में किसकी है तो वो शिंदे गुट की है, आदमी नहीं मिल रहे। यहां तो छोड़ दो, यहां तो शिंदे की बात ही नहीं है, यहां शिंदे के नाम पे दो तीन बटले को गद्दार घूम रहे हैं, वो सब बटले की ही जमात है। यानी देखो गुंजन भाई, गद्दार भी एक ही साइज के, देखो ना क्या कुदरत का करिश्मा है, गद्दार की उम्र यानी किसी को ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं, दोनों आत्माएं बैठ के बात कर सकते हैं, अपने से बात करेंगे तो जरा ऊपर देखना पड़ता है। मेरा एक फोटो देख लेना, एक फोटो आ रहा है मेरा, एक आदमी मेरे को हार पहना रहा है स्टेज पे, जब वो हाथ पहना रहा है तो उसको दोनों पैर उसको ऊंचे करके हाथ पहना है, ये साले अपने दोस्त भी इतना हरामी है, मेरा अंदर उतना ही फोटो निकाला उसके पैर ऊंचे हुए, देखा कि नहीं सर मेरा फोटो, और उसको भी क्या शौक, अरे काय को मेरे गाने में हार डालता है भाई, जब अभी गद्दारी करी ली है तो दूर चले जा मेरे से, मैंने कहा बुलाया तेरे को नजदीक, अब तो हिसाब करके ही बात आगे बढ़ेगी ना, फैसला यही पर होता है, जनता फैसला करने की जरूरत में। पहला 25 साल अपने घर के नीचे के रास्ते नहीं बना सके थे, वो पूछ रहे जितेंद्र आवर ने काम क्या किया, अरे सले पहले तुम्हारे घर के इलेक्ट्रिक के बिल भरो और फिर बाद में जनता की सेवा करो, घर में डायरेक्ट मीटर 25 साल से और ये बड़े बनने जनता के नगर से उधर जनता के से, चाचा बताओ ये बराबर है, तुम घर के बिल नहीं भरोगे तो तुम जनता के सेवक बन सकते हो, अरे अपना हाथ तो साफ चाहिए, बंगला बनाओगे 5-5 मंजिल का और वहां बैठ के दुनिया की उंगली करोगे, अरे एक दिन कोई हाईकोर्ट में चला गया तो 5 मंजिल ऐसी ही नीचे आ जाएगी, ये सब इशारा दे रहा हूं, ज्यादा मस्ती मत करना, हमारा कुछ भी इल्लीगल नहीं है, ये भी मेरा है, मेरे को कोई खरीद के देता नहीं है, मैं किसी को शॉपिंग करने लेने के लिए नहीं जाता कि दो बिल्डर के कंधे पे हाथ दिया चल मेरे को शॉपिंग पे कर, ये मेरा काम नहीं है। शमीम भाई को पूछ रहा एक क्षण दिया क्या मेरे को कभी, अपन तो सामने सामने हिसाब कर देते ना, अपन पीछे कुछ करते ही नहीं है, यहाँ तो नौबत ऐसी है पेंसिल लाने को भी दो बिल्डर पकड़ने पड़ते हैं, और चले नमरा कलवा कुशील के नेता बनने। और रही बात तो सारा इसमें से टाइम मिलना बनता है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे को मैं शांत हूं ना तो मेरे को शांत रहे, मैं किसी की उंगली करने नहीं जाता हूं, पर मेरे कान में डाल के उंगली करोगे तो तुम्हारे कहां उंगली चली जाएगी मेरे को पूछना। मैं कोई नरम मिजाज का नहीं हूं पर हालात के साथ बदलते जा रहा हूं, लड़ाई भी पड़ी है, यही से शुरू हो गई थी, ये 354 ब्रिज है ना, ये उनको मालूम है ना वाई जंक्शन का ब्रिज का नाम क्या रखा है, 354 ब्रिज मालूम है कि नहीं, महासभा में पास करवाएंगे अपन वो ब्रिज का नाम रखेंगे 354। अरे साले किसी बहन को अपन हाथ लगा के बाजू में करो और उसको बोलो कि बहन आगे मत जाओ बहुत भीड़ है धक्के लग जाएंगे,
तो बहन जाके किसी के घर में बैठ के सीएम साहब वहां आते हैं और मेरे ऊपर डायरेक्ट गुनाह दाखिल होता है कि मैंने वो लड़की को गलत अंदाज से हाथ लगाया। अरे थुप तेरे नियत पे, इतना गंदा काम। परसों मारा नहीं हुई कहीं पे, किसी ने किसी को मारा, साला 307 मेरे ऊपर दाखिल हुआ। अभी मालूम नहीं मुझे कितने और गुनाह मेरे ऊपर डालेंगे। और हमेशा मैं यही कहता हूं, मारना है तो इधर मारो, इधर मत मारो। मैं लड़ने को हमेशा था, तुम कभी लड़े नहीं हो, तुम हमेशा एक आदमी के हाथ के नीचे रह के बड़े हुए हो, और हमेशा हमने आमने सामने आग डाल के अपना बड़प्पन दिखाया है। तुम कभी लड़े ही नहीं हो, हमारी तो जिंदगी की राजनीति लड़ते लड़ते ही चली गई। हम तो सत्ता में सिर्फ 2.5 साल थे, बाकी में हम सत्ता में कहां थे, लेकिन हम अपने आप में एक सरकार है, हम सरकार चलाते हैं, हम हमारी हुकूमत चलाते हैं, जिसमें हम गरीबों को मान देते हैं, जिसमें हम दलितों के लिए बात करते हैं, जिसमें हम मुसलमानों के लिए बात करते हैं, जहां भी अन्याय अत्याचार है उसके खिलाफ खड़े रहकर उन गरीबों का साथ देते हैं जिनको जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है। तो मेरे भाई और बहनों, चुनाव इतने में नहीं है। सबको लग रहा है चुनाव लग जाएगा, बहुत गलत सहमी में है, इतने में चुनाव नहीं लगने वाला है। बहुत भागदौड़ कर रही है लोगों ने, जैसे कल चुनाव लगने वाला है, और इसी कूदियां मार रहे थे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, पर उनको मालूम है नहीं हालात इतने बेकार है कि गवर्नमेंट चुनाव लगाने से ही डर रही है। जहां भी जाओ तुमको भी मालूम होगा ना घोषणा क्या है, पन्नास फोके, क्या है घोषणा, पन्नास फोके। कल नासिक में गए थे मुख्यमंत्री, मेरे ही गांव में गए, मेरे शहर, मेरे बहन का ससुर है वहां पे, नंदुर सिंह पे, गाड़ी से नीचे उतरे तो पूरे नौजवानों ने घोषणा दी, पन्नास फोके एकदम ओके, पन्नास फोके एकदम ओके। यानी जहां भी जाएंगे अपने आप में पहचान बन चुकी है एकनाथ शिंदे और पन्नास फोके। अब ये उसको काली पीठ नहीं लगाई जा सकती है। अरे कुछ नहीं यार, कुछ केस भी नहीं होता है। वो बाबा के ऊपर केस नहीं हुआ, वो बाबा के ऊपर केस हुआ क्या, कुछ भी अनाप शनाप बक्के गया, मेरे पे क्या केस करेंगे 10 बजे का, मैं ही सवाल जाके पूछेंगे बाबा का क्या होगा। ये रही मजाक की बात, लेकिन एक पब्लिक टॉयलेट की मांग शील पे आई है। मुझे लगता है करीम ने मुझे को जगह भी बताई थी, बराबर है ना। मैं इस हफ्ते में कमिश्नर से बात करके ये टॉयलेट का इंतजाम करके देता हूं। और यही नहीं बल्कि अपने को जहां जहां खुली जगह नजर आ रही है उस जगह पर हमने पब्लिक टॉयलेट करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत लोग चल के आते जाते हैं, तो उनके लिए एक सुविधा होनी चाहिए, तो उनके लिए एक सुविधा होनी चाहिए। मैं इस बात से राजी हूं और उसके लिए मैं मेहनत भी करूंगा। करीम भाई आप उससे मेरे से ये वादा कर लीजिए। फिर से एक बार हमारे पुराने मित्र है सेठ, हमारे पुराने मित्र है, बहुत पहले से मेरे संबंधी है। पानी की एक समस्या है, टॉयलेट की एक समस्या है, रास्ते के कुछ प्रॉब्लम है और वहां पे नाले के कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अभी वो ऐसे लोग हैं ना, जैसा ही कोई अधिकारी मेरे से प्यार से बात करता है दूसरे ने उसके ट्रांसफर कर देते। चलो प्यार करना भी गुनाह हो गया आजकल मुंबई में, जरा किसी के कंधे पे हाथ रख दो तो दूसरे दिन पुलिस उसके घर पे पहुंच जाती है। तो आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं, आज ऑफिस खुल गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ऑफिस का इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए, ऑफिस का इस्तेमाल हर एक गरीब आदमी को के लिए होना चाहिए, जिसमें जिसके आंख में आंसू है। वो अगर अपने ऑफिस में आता है
तो उसको आंसू पोंछ के उसका हसीन चेहरा बाहर आना चाहिए, हंसते हुए बाहर निकलना चाहिए। ऑफिस का इस्तेमाल सिर्फ उतना है, उसी लिए होना चाहिए। और फिर ऑफिस में बैठ के सेटलमेंट, जमीनों के काम, सात बारह के काम जफर भाई नहीं होने चाहिए। मैं उसके साथ खिलाफ हूं, चाहे जिसको बुरा लगे लगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो आदमी आएंगे जिसको तुम्हारे मदद की आवश्यकता है, और तुम उठ के उसको, उस आदमी को मदद करोगे जिसको मदद चाहिए। तो हर गरीब को लगना चाहिए कि मुझे अगर मदद मिलेगी तो मैं कमरुल हुदा शेख के ऑफिस पे पहुंच जाऊं, वहां पे मुझे मदद हो जाएगी। अपनापन लोगों में पैदा करो, उससे ही पार्टी बढ़ती है। पार्टी कोई नाम से, पार्टी कोई और काम से नहीं बढ़ती, पार्टी अपनेपन से बढ़ती है। अगर किसी के घर में बीमारी है तो पहुंच जाओ। आज अपन ने कोविड के टाइम में 18 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल डाला था, जब मैं माड़ा का मिनिस्टर था। कम से कम अपन 5,000 लोगों की जान बचाई है। कुछ लोग कब्रिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, अगर वो तोरसा का नया कब्रिस्तान नहीं रहता तो कोविड में पता नहीं जो 600 मौत हुई उनकी कब्र कहां बनाई जाती। घर के नीचे दफनाना पड़ता, नहीं तो जाके जंगल में जलाना पड़ता। लोगों को बोलने की आदत है मुमरा कौसा में, उनके मुंह लगना बहुत मुश्किल काम है, लगना भी नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो बस इतना ही, इतनी बात है कि काम करने वाले लोग सिर्फ एनसीपी में है, बाकी सब बकवास है। बाकी को बोलने को बोलने, कुछ भी बोलने। जैसे हमारे ये भाई बैठे हैं यहाँ पे, मिस्टर पाटिल बाबा जी, जैसे हमारे ये भाई बैठे हैं, बाबाजी पाटिल के गली की एक भी कॉन्क्रीट बाकी नहीं है। बाबाजी पाटिल बाकी है क्या फुटलो कॉन्क्रीट? सब एरिया पूरा कॉन्क्रीट का बन गया, इसका खड़ी फड़के पड़ा पूरा एरिया कॉन्क्रीट का बन गया। सब मजबूत काम करने वाले लोग एनसीपी के पास है, और इसलिए एनसीपी का साथ, तो एनसीपी के साथ आओ, हम तुम्हारे लिए है, इतना विश्वास तुम्हें दिलाता हूं। हम हर वो गरीब आदमी, हर वो मुसीबत में फंसने वाला आदमी, उसके लिए हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। चाहे जो भी हमको भुगतना पड़े हम भुगतेंगे, लेकिन हम आपके साथ खड़े रहेंगे, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।